मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक जगजीवन साहब की जीवन ज्योति इस धरा पर जलती रही। जगजीवन साहब कहते हैं, मन मह जाई फकीरी करना। धर्म के दो आयाम हैं, एक संस्कृति है जो बाहर बाहर फैलती है, बाहर बाहर दिखती है। जैसे वृक्ष होता है, उसकी डालियाँ होती हैं, उसकी पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, ऐसी संस्कृति है। और दूसरा आयाम अध्यात्म है, जड़ की तरह है, ज़मीन के भीतर रहती है। जैसे हमें भीतर जाना है, अध्यात्म है, बाहर फैलना है, संस्कृति है। जगजीवन साहब अध्यात्म की दिशा की बात कर रहे हैं। कहते हैं, अगर अध्यात्म में तुम उत्सुक हो, अगर साधना में उत्सुक हो, समाधि में उत्सुक हो, महाजीवन में उत्सुक हो, तो क्या करना होगा? मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, काशी काबा जाने की ज़रूरत नहीं है। मनमह जाई फकीरी करना, ये साधना, ये फकीरी, ये समाधि, ये भीतर जा कर के किया जाता है। इकबाल साहब कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। भीतर के मुसाफिर हो जाओ तो तुम आध्यात्मिक हो जाते हो। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरत जुग गया मिटान मन का फेर, मन का फेर ले तो काहे को देर। बाहर माला फेरने से कुछ ना होगा, बाहर कुछ भी करने से कुछ ना होगा। अगर तुम चाहते हो परमात्मा को पाना, अगर तुम चाहते हो समाधि को जानना, तो भीतर जानना होगा। कहते हैं जगजीवन साहब, रहे एकांत तंत में लागा। पहली बात, एकांत में तुम्हारा रस होना चाहिए। यू हैव टू एन्जॉय योर एलोननेस। एकांत में आनंदित रहने की कला तुम्हें जाननी होगी। तो पहली बात क्या करना होगा? एकांत में रहना होगा। दूसरी बात, तंत में लगा, तत्व में लगा, तत्व की खोज करनी होगी। सिद्धांत से चलने की अब ज़रूरत नहीं, सिद्धांत में तुम्हारी कोई उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात। सुनो, राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, मतवादी जाने नहीं तत्वादी की बात। सूरज उगा उल्लुआ कहे अंधेरी रात। जैसे उल्लू दिन को, उसको रोशनी नहीं दिखाई देती, कहेगा सिद्ध करो कि रोशनी है। तत्ववादी तर्क में उत्सुक नहीं होता, सिद्धांत में उत्सुक नहीं होता, अनुभव में उत्सुक होता है। फिर क्या करना होगा? राग नृत्य नहीं सुनना। अब गीत संगीत, मनोरंजन, फिल्में, सीरियल्स, बाहर जो भी मनोरंजन तुम्हारा करता है, क्योंकि अध्यात्म मनोभंजन है, मनोरंजन नहीं है।
नॉलेज।